और वर्तमान समय में ये भी देखने को आ रहा है कि आज की जो पीढ़ी है निरंतर इस ओर अग्रसर है अपने भविष्य को जानने। कुंडली का जो हमारे जीवन से संबंध है वो ठीक जिस तरह से मानव का या मनुष्य का सांसों के साथ में जो संबंध है वही कुंडली के साथ में संबंध होता है, क्योंकि कुंडली में जो द्वादश भाव होते हैं, द्वादश घर होते हैं, उन्हीं भावों में मनुष्य का पूरा जीवन समाहित है। उसका जन्म कब होगा, कैसे होगा, वो क्या क्या कार्य करेगा, क्या सुख उसे प्राप्त होगा, क्या शुभ होगा, क्या अशुभ होगा, उसे किस ओर जाना चाहिए, उसकी प्रगति किस ओर होगी, माता पिता का सुख होगा या नहीं होगा। ठीक मैं यही बात बताना चाहूँगा कि जो कुंडली में द्वादश घर हैं, भाव हैं, उनका अलग अलग कार्य है। प्रथम है जिसे हम लग्न कहते हैं, उसे तन भाव कहते हैं, धन भाव है, सुख भाव है, संतान भाव है, कलत्र भाव है, पति पत्नी भाव है, जन्म मृत्यु भाव है, धर्म भाव है, और आय भाव है और व्यय भाव है। जिस तरह से मैंने जिन टॉपिक का नाम लिया है उन्हीं 12 टॉपिकों में मनुष्य का जीवन समाहित है। और एक तरह से देखा जाए तो कुंडली जो है हमारा सोनोग्राफी है, उससे हमें हमारे बारे में सभी प्रकार की बातों से पता लग सकता है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में जो ज्योतिष शास्त्र है वो अपने आप में प्रबुद्ध है। क्यों प्रबुद्ध है? क्योंकि उसके बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। कई बार हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं कि मैं एक नंबर से फेल क्यों हो रहा हूं, तो कहीं पर भी इसका इलाज संभव नहीं है। अधिकतर मैं कहूं ना आयुर्वेद में संभव है और ना ही हमारे हॉस्पिटल्स में इसके रिलेटेड कोई टेबलेट मिलती है। लेकिन यदि हमारी जन्म कुंडली है तो हम उससे ये पता ज़रूर लगा सकते हैं कि मैं किस ग्रह के कारण एक नंबर से पीछे रह रहा हूँ, या मेरा कॉन्फिडेंस वीक क्यों हो रहा है, या समय पर मेरे को कोई भी उपलब्धि प्राप्त क्यों नहीं हो रही है। तो इससे हम इस बिंदु पे पहुँचते हैं कि कुंडली का मनुष्य के जीवन में बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है, और यदि सटीक हो और सही उसका विवेचन किया जाए, विश्लेषण किया जाए, और ज्योतिर्विद यदि अच्छा हो, शास्त्रज्ञ हो, तो हम हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष की कुंडली के माध्यम से कर सकते हैं। अब आपका जो द्वितीय बिंदु है कि महिलाओं को लेकर के ज्योतिष कुंडली क्या कहती है और इसका चिंतन किस तरह से करती है, तो मेरा यही मानना है कि महिला हो या पुरुष हो, दोनों की ही कुंडलियाँ लगभग लगभग समान बनाई जाती हैं। कि जिस तरह से जन्म कुंडली के लिए हमें जन्म दिनांक, जन्म समय और जन्म स्थान, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसी से कुंडली बनती है, कुंडली का निर्माण इसी से होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे एक पुरुष की कुंडली में राहु, केतु, शनि, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि यदि सही स्थिति में होंगे, उनकी दिशाएं ठीक होंगी, तो वो अच्छा फल देते हैं। ठीक इसी प्रकार से किसी भी महिला की कुंडली में यदि बृहस्पति अच्छा हो, मंगल अच्छा हो, बुध अच्छा हो, राहु केतु अच्छे हो, कहने का मतलब है सभी ग्रह अपने अपने स्थान पे बैठे हों, अपने मैत्री भाव में बैठे हों, हैं अपनी दृष्टि अच्छी हो, उच्च भाव में बैठे हों, तो उस महिला के लिए उसका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाता है। जैसे शास्त्र कहता भी है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मनु ने कहा है। यह बहुत बड़ी बात है, यही हमारी भारतीय संस्कृति की, भारतीय ज्ञान परंपरा की बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो हमारे देश को विश्वगुरु कहा गया है। तो यही नहीं है, यदि उस महिला की जन्म कुंडली हमारे पास हो और वो बहुत आगे जाना चाहती हो, चाहे वो गरीब परिवार से हो, चाहे वो अमीर परिवार से हो, तो ज्योतिष की कुंडली के माध्यम से हम उसकी परिवार की, उसके अध्ययन की, अध्यापन की, उसकी बुद्धि की, उसके आत्मविश्वास का मूल्यांकन करके जहाँ जहाँ उसमें रिक्तताएँ हैं हम उसको, उन दोषों को दूर कर सकते हैं। और दोषों को दूर करने का निवारण कई प्रकार से शास्त्रों में बताया गया है।
तो ठीक इसी प्रकार से राजयोग होते हैं, गजकेसरी योग होते हैं, माधुरी योग होते हैं, अनेक प्रकार के कई योग होते हैं जिससे महिलाएं उन योगों का समाधान करते हुए, उन योगों की ओर अग्रसर होते हुए, उन योगों को प्रबल करते हुए आगे बढ़ सकती है। इसके लिए इन्हें एक योग्य ज्योतिर्विद की आवश्यकता होगी जो उन्हें उनकी कुंडली के माध्यम से सही मार्ग को दिखाए। यही नहीं है, यदि किसी महिला का आत्मविश्वास कमजोर है और वो आगे तो बढ़ना चाहती है लेकिन वो बढ़ नहीं पा रही है, वो बहुत पढ़ना चाहती है लेकिन पढ़ नहीं पा रही है, सपोज देन कम उम्र में ही विवाह हो जाता है, लेकिन अपने घर में तो वो पढ़ पा रही थी लेकिन ससुराल में नहीं पढ़ पा रही है, ऐसी स्थिति में और ऐसी समस्याओं का समाधान किसी भी वैद्य के पास नहीं है, किसी भी चिकित्सक के पास नहीं है, केवल और केवल मात्र इन चीज़ों का समाधान ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष की कुंडली में है। तो मेरा यही मानना है कि महिलाओं के लिए ज्योतिष शास्त्र एक संजीवनी बूटी के समान है, उन्हें हताश नहीं होना चाहिए, और जो हताश हो चुका है एक बार उन्हें ज्योतिष के माध्यम से, अपनी कुंडली के माध्यम से, अपने प्रश्न विचारों के माध्यम से इस शास्त्र का और इन शास्त्रज्ञों का अनुसरण करना चाहिए।